नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गाइडेंस अकेडमी पर। मैं एडी धाकड़ आप सभी का वेलकम करता हूं। आज दोस्तों मैं आपके लिए मनोविज्ञान का एक अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चाहे आपका सी टेट हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश टेट हो, चाहे आपका रीट हो, यानी कोई सा भी टेट हो, चाहे सी टेट हो, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बनता है। तो हम उस क्वेश्चन की हम बात करते हैं और हम चीजों को और समझते हैं कि अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों सुपर टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जो दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, यानी चिंता दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है। अगर आपको सृजनात्मक अच्छे से आता है, यानी कि अगर आपको क्रिएटिविटी अच्छे से आती है, तो फिर हम आप बात करेंगे आपको चिंतन वाला टॉपिक भी अच्छे से समझ में आता। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी अगर आपने हमारी गाइडेंस एकेडमी कल्याणपुर वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जैसे कि मैंने आपको फोर्थ क्लास की एनसीईआरटी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, अब कल हमारी फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी को लेकर वीडियो आएंगी, इसके बाद हमारी प्रैक्टिस सीट आएगी, तो हम जो भी करते जाते हैं टॉपिक उसकी प्रैक्टिस सीट आपको लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सृजनात्मकता क्या होती है। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली टीचर में, यानी DSSSB में क्वेश्चन पूछा गया था कि सृजनात्मकता शब्द दिया किसने, यानी किसने सृजनात्मक शब्द का प्रयोग किया है, हम कह सकते हैं सर्वप्रथम इसने किसने इसका यूज किया था। तो दोस्तों हम बात करते हैं ई पाउल टोरेंस, आपने नाम सुना होगा। ई पाउल टोरेंस, यानी सृजनात्मकता शब्द का प्रयोग ई पाउल टोरेंस नाम के व्यक्ति ने किया, यानी कह सकते हैं ई पाउल टोरेंस सृजनात्मकता के क्या है, जन्मदाता है, यानी फादर कहे जाते हैं। ये कौन कहे जाते हैं, इसके पिता कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, सृजनात्मक शब्द को जन्म दिया, हम कह सकते हैं सृजनात्मक शब्द का प्रयोग किया। अब दोस्तों ये तो हमने समझ लिया कि ये अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्रिएटिविटी की बात किसने की है, क्रिएटिविटी शब्द किसने दिया है, तो हम कहेंगे ई पाउल टोरेंस ने दिया है। अब हम समझते हैं ई पाउल टोरेंस दोस्तों अमेरिका के रहने वाले थे। अब हम बात करते हैं कि क्रिएटिविटी होती क्या है, सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है, यानी कि किसको हम क्रिएटिविटी कहेंगे, किस कार्य को हम सृजनात्मक कहेंगे, क्या होता क्या है सृजनात्मकता। देखिए दोस्तों अगर मैं आपको आपके सिंपल शब्दों में बात करूं, यानी आपकी भाषा में आपसे समझाऊं आपको, तो सृजनात्मकता का मतलब होता है कि जब हम दूसरों से हटकर कुछ नया करते हैं, यानी जब हम दूसरों से हटकर कुछ नया करते हैं, जब हम दूसरों से हटकर कुछ नया करते हैं जो समाज के हित में हो, जो समाज के हित में हो और अपने ढंग से हो, अपने ढंग से हो और उपयोगी हो, ये समझ में आया दोस्तों। सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है, जब हम कुछ कार्य दूसरों से हटकर करते हैं, ठीक है, दूसरों से अलग हो, ठीक है, जिसमें नयापन हो, समाज के हित में हो, अपने ढंग से हो, तो उस कार्य को हम क्या कहते हैं, उस कार्य को हम सृजनात्मक कार्य कहते हैं। दोस्तों जहां पर भी सृजनात्मक शब्द आ जाए, जहां पर भी क्रिएटिविटी शब्द आ जाए, तो वहां पर ऑलवेज क्या होगा, नया होगा,
यानी सृजनात्मकता का मतलब ही होता है कुछ नया। यानी कि सृजनात्मकता में दोस्तों कॉपी नहीं होती है, यानी सृजनात्मकता का मतलब क्या है, कुछ नया। जब हम दूसरों से हटकर करते हैं, अपने ढंग से करते हैं, तो उस कार्य को हम सृजनात्मकता कहते हैं, यानी उसमें नवीनता होना चाहिए, उसमें मौलिकता होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है सृजनात्मकता में, सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि उसके अंदर मौलिकता होनी चाहिए, नवीनता होना चाहिए। यानी उसके अंदर क्या होना चाहिए दोस्तों, उसके अंदर नवीनता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए। यानी अगर मैं यहाँ जो कार्य समाज के लिए उपयोगी नहीं है उसको हम क्रिएटिविटी भी नहीं कह सकते, उसको हम सृजनात्मकता भी नहीं कह सकते। यानी सृजनात्मकता के लिए नवीनता का होना जरूरी है, मौलिकता का होना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं, प्लस यहाँ पर पॉइंट आएगा कि वो कार्य उपयोगी होना चाहिए, यानी उसके अंदर उपयोगिता का गुण होना चाहिए। उपयोगिता का गुण होना चाहिए, यानी उपयोगिता का गुण होना चाहिए, यानी कि वो कार्य क्या होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए समाज के लिए। आपने कुछ, आप दूसरों से हटकर खाना बनाते हो, ठीक है, आप दूसरों से हटकर खाना बनाते हो, अगर आपका खाना खाने योग्य नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि आपके अंदर क्रिएटिविटी का गुण है। लेकिन अगर आपका खाना दूसरों के खाने के योग्य है तो हम कहेंगे कि आपके अंदर क्रिएटिविटी का गुण है। आप दूसरों से हटकर कोई पेंटिंग करते हो, ठीक है, तो हम कहेंगे, अगर वो उपयोगी है तो हम कहेंगे कि आपके अंदर सृजनात्मकता का गुण है। अब बात ये आती है, क्या सर, मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप अनजाने में कोई काम करते हैं, ठीक है, और वो दूसरों से हटकर हो जाता है, तो क्या हम उसे सृजनात्मकता में शामिल करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप पेन लेकर आप ऐसे बैठे थे और आप ऐसे चला रहे थे और दोस्तों कोई पेंटिंग बन गई, कोई ड्राइंग तैयार हो गई, कोई अच्छी पिक्चर बनकर तैयार हो गई जो दूसरों से हटकर है, क्या बताइए इस कार्य को सृजनात्मक कार्य कहेंगे? नहीं। यानी अनजाने में या कह सकते हैं गलती से कुछ कार्य जो हमसे हो जाते हैं हटकर दूसरों से, तो हम उसको सृजनात्मकता नहीं कहेंगे। यानी हम ये नहीं कहेंगे कि इसके अंदर क्रिएटिविटी का गुण है। यानी उस व्यक्ति को हम सृजन नहीं कह सकते, यानी उस कार्य को भी हम सृजनात्मक कार्य नहीं कह सकते। यानी कि अनजाने में हमसे कोई कार्य हो जाते हैं तो उसको भी हम क्या कहेंगे, उसको भी हम सृजनात्मकता नहीं कहेंगे। तो दोस्तों यहां तक ये डेफिनेशन क्लियर हुई, अगर ये डेफिनेशन क्लियर हुई तो हम आगे बढ़े, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या लगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता दिया करो, तो उसका भी हम क्या करेंगे, अगर सॉल्यूशन होगा ज्यादातर हम उसका सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे, ठीक है। पढ़ने को लेकर हो, किसी प्रकार से अगर जीवन में आपको कोई भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, हम कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं क्योंकि परिभाषाओं में से क्वेश्चन आता है। तो इतना अभी तक आप याद रखिए कि सृजनात्मकता की बात किसने की थी, ई. पॉल टोरेंस ने की थी। सृजनात्मकता क्या होती है, दूसरों से हटकर कुछ हम करते हैं जो उपयोगी है, वही कार्य हमारा सृजनात्मक कहलाता है। तो दोस्तों परिभाषाओं की हम बात करते हैं, परिभाषाओं में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उन परिभाषाओं की हम बात करते हैं। तो चलिए मैं आपको दो एक परिभाषा लिखवाऊंगा, परिभाषाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों जेम्स ड्रेवर की बात करते हैं हम, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है किसकी, जेम्स ड्रेवर की। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सृजनात्मकता क्या है। देखिए दोस्तों सृजनात्मकता जेम्स ड्रेवर कहते हैं, जेम्स ड्रेवर का कहना है कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन कार्य में अनिवार्य रूप से निहित होती है। क्या होती है, नवीन कार्य, यहां लिख देता हूं दोस्तों, क्या होती है, नवीन यानी जेम्स ड्रेवर का कहना है कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या
नवीन रचना या क्या होती है, नवीन उत्पादन। नवीन रचना या नवीन उत्पादन में अनिवार्य रूप से होती है। क्लियर हुए? यानी ये कहते हैं कि जेम्स वेबर कहते हैं कि सृजनात्मकता क्या है, जब हम कोई नवीन रचना करते हैं यानी कुछ नया करते हैं या हम कुछ नवीन उत्पादन करते हैं तो उसमें सृजनात्मकता क्या होती है, अनिवार्य रूप से उसमें क्या होती है, मौजूद होती है। यानी कि जेम्स वेबर का कहना है कि जब हम कुछ नवीन रचना करते हैं या हम कुछ नया उत्पादन करते हैं तो सृजनात्मकता तो उसमें अनिवार्य रूप से मौजूद होती है। यानी ये किसका कहना है, ये जेम्स ड्राइवर का कहना है। अब हम बात करते हैं क्रो एंड क्रो की। तो क्रो एंड क्रो कहते हैं कि रचनात्मकता क्या है दोस्तों, यानी क्रो एंड क्रो कहते हैं कि सृजनात्मकता मौलिक कार्यों को, यानी क्रो एंड क्रो की हम परिभाषा की हम बात करें दोस्तों, क्रो एवं क्रो, क्रोम क्रो क्या कहते हैं कि सृजनात्मकता मौलिक मौलिकता के यानी मौलिक परिणामों को सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने का क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। यानी किसका कहना है, ये क्रो एंड क्रो का कहना है, अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। यानी क्रो एंड क्रो का कहना यह है कि सृजनात्मकता क्या है, यानी सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। तो ये दो परिभाषा आप याद रखिए एग्जाम में, एक तो जेम्स वेबर की याद रखिए और दूसरा क्रो एंड क्रो की रखिए परिभाषा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सृजनात्मकता के तत्व की, हम बात करते हैं सृजनात्मकता की तत्व समझते हैं कि सृजनात्मकता के तत्व क्या होते हैं, हम वो चीजों को समझते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर कोई आपसे एक लाइन में पूछता है कि सृजनात्मकता क्या है तो कह सकते हैं आप, नव निर्माण करने की योग्यता ही सृजनात्मकता है। यानी कुछ नया करने की योग्यता ही क्या है, सृजनात्मकता है। यानी एक लाइन में अगर आपसे पूछे नव निर्माण करने की योग्यता ही क्या है, सृजनात्मकता। अब हम दोस्तों सृजनात्मकता के शब्द की बात करते हैं, सृजनात्मकता के शब्दों के ऊपर हम बात करते हैं, सॉरी तत्व की हम बात करते हैं, सृजनात्मकता तत्व। ठीक है, सृजनात्मकता तत्व की हम बात करते हैं, सृजनात्मकता के तत्व। देखिए सबसे पहले हम बात करें सृजनात्मकता की, हम तत्व की हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि धारा प्रवाह। देखिए एक और पॉइंट और आता है कि जब तक हम कल्पना नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नया भी नहीं करेंगे। यानी कि इमेजिनेशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक दोस्तों आप कुछ नया करने की कल्पना नहीं करेंगे, इमेजिनेशन नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नया कर ही नहीं सकते। यानी जिस व्यक्ति ने भी हवाई जहाज का निर्माण किया है तो पहले तो उसने ऐसा इमेजिनेशन किया होगा कि कुछ ऐसी चीज बनाई जाए जो हवा में उड़ सके। ठीक है, यानी पहले तो उसने इमेजिनेशन किया होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं कि कल्पना शक्ति का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कल्पना शक्ति के हम क्या कर सकते हैं, सृजनात्मक कार्य नहीं कर सकते। यानी किसके, इमेजिनेशन।
अब तत्व की हम बात करते हैं तो सबसे पहला तत्व है धारा प्रवाह। पहला तत्व क्या है? धारा प्रवाह, यानी कि आपके शब्दों में फ्लुएंसी होना चाहिए, सृजनात्मकता में क्या होना चाहिए? धारा प्रवाह होना चाहिए, फ्लुएंसी होना चाहिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं तो उसमें क्या होना चाहिए? अगर आप सृजनात्मक उत्तर देते हैं तो उसमें धारा प्रवाह होना चाहिए, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं कि जो धारा प्रवाह होगी उसमें मौलिकता होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? उसमें मौलिकता होना चाहिए, उसमें नवीनता होना चाहिए, उसमें नवीनता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप कुछ नया नहीं करोगे तो फिर वो सृजनात्मक कार्य हो नहीं सकता। अगर आप किसी व्यक्ति के विचारों का उत्तर दे रहे हो और वो उत्तर अगर आप दूसरे की कॉपी कर दे रहे हो तो वो कार्य फिर आपका सृजनात्मक नहीं है। उसके लिए आपका क्या होना चाहिए? यानी उन विचारों में नवीनता होना चाहिए, नवीनता होना चाहिए, मौलिकता होना चाहिए। तीसरी हम बात करते हैं विस्तार की। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं विस्तार की। विस्तार जानते हो, मैंने आपको एक शब्द दे दिया मां या पिता, आप उसका कितना विस्तार कर रहे हो? ये मैंने आपको एक शब्द दे दिया, विस्तार कितना? अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो जो क्रिएटिविटी होती है जिनके अंदर, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? चीजों का विस्तार कर पाते हैं। अगली हम बात करते हैं पुनः डेफिनेशन, यानी कि पहला धारा, दूसरा मौलिकता, तीसरा विस्तार और चौथा है दोस्तों क्या? चौथा है पुनः डेफिनेशन, यानी री पुनः परिभाषित। क्या कर सकते हैं, कितनी दे सकते हैं, ठीक है। तो रीडेफिनेशन यानी कि आप जैसे मेरे विचारों को, मैं आपको एक डेफिनेशन देता हूं, आप उसके क्या कर सकते हैं, कितनी आप तो उसके द्वारा मतलब उसको पुनः परिभाषित कर सकते हैं, यानी क्या होना चाहिए उसमें? पुनः परिभाषित करने का गुण होना चाहिए, यानी कि दोबारा से। अब हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट। पहला हमने पढ़ा दोस्तों धारा प्रवाह, दूसरा हमने पढ़ा मौलिकता, और तीसरा पढ़ा हमने विस्तार, और चौथा पढ़ा हमने पुनः परिभाषित। अब हम अगले हम पॉइंट की बात करते हैं, तो अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा संवेदनशील। संवेदनशील क्या होना चाहिए? संवेदनशील का गुण होना चाहिए। संवेदनशील क्या दोस्तों? देखिए आपके ऊपर किसी बात का कितना असर पड़ता है। जैसे मैं अगर आपसे कुछ शब्द बोलता हूं और आप उन शब्दों का आपके ऊपर कितना असर पड़ता है, क्योंकि अगर आपके अंदर संवेदनशीलता का गुण है तो कोई व्यक्ति अगर आपके बारे में जरा सी बात बोलता है तो आप उस बात को कितनी गहराई से लेते हैं, और अगर संवेदनशीलता का गुण नहीं है तो यानी एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, यानी कि आप क्या है, आपके अंदर संवेदनशीलता का गुण नहीं है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए उसमें? संवेदनशीलता का गुण होना चाहिए। और हम छठवें पॉइंट की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, वो है लचीलापन। क्या होना चाहिए? लचीलापन। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने कुछ नया किया है और उसके अंदर अगर लचीलापन नहीं है तो फिर वो कार्य क्या है दोस्तों? आपका क्या है? सृजनात्मक कार्य नहीं होगा, क्योंकि आपने कुछ ऐसी वस्तु बना दी जिसमें कोई संशोधन ही नहीं हो सकता, यानी आपने कुछ ऐसा निर्माण कर दिया दूसरों से हटकर जिसमें कोई संशोधन ही नहीं हो सकता, तो उसमें क्या होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए, जिसमें कुछ बदलाव किया जा सके। तो ये तो दोस्तों हमारे शब्द थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों यहां तक ये वीडियो हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो यहां तक हमने केवल ये समझा, इसकी परिभाषाओं के ऊपर बात की। तो आप जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। और आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं दोस्तों।